Hello students, today I will be teaching you science of class 6. So let's begin with our first chapter. Our first chapter is food. Where does it come from? So what is food? हम सब जानते हैं कि गाड़ी जो रहती है उसे चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, कुछ फ्यूल की जरूरत रहती है. सिमिलरली हमारी बॉडी को भी चलने के लिए, हमारी बॉडी को भी सारा दिन वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चीजों की जरूरत रहती है जो कि हमें मिलती है फूड से. सो बेसिकली जो फूड रहता है वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है. जैसे कि गाड़ी के लिए कुछ फ्यूल होता है, वैसे जो फूड रहता है वो भी हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है. अब बात करें कि फूड में ऐसा होता क्या है जिसके कारण फूड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, सारा दिन की हमारी जो एक्टिविटीज सब चीजों के लिए इतना फूड इंपॉर्टेंट क्यों है. तो बेसिकली फूड में जो रहते हैं, फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड रहती है सारा दिन की हमारी एक्टिविटीज करने के लिए, हमें डिसीज फ्री रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत रहती है जो कि हमें फूड से मिलते हैं. सो वो केमिकल्स जो हमें फूड से मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है जिस चीजों की, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब बात करें इंडिया में, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, हम सब जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग टाइप के फूड्स कंज्यूम किए जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सरसों ज्यादा होती है बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. बहुत मतलब अगर आप पंजाब तरफ जाएं तो वहां पर सरसों ज्यादा होती है. अगर आप एमपी की बात करें तो एमपी में वीट ज्यादा होता है. तो ये सब सारी चीजें डिपेंड होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, वहां के सॉइल टाइप पे. सो ये सारी चीजों को के कारण जो पर्टिकुलर हर स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन चीजों का जो कंजप्शन है, जैसे अलग अलग फूड वैरायटीज है, वो चेंज होते जाती है. कुछ जगह में कुछ चीजें ज्यादा कंज्यूम की जाती है तो वही चीजें कुछ जगह में कम कंज्यूम की जाती है. जैसे आप कोस्टल एरियाज की बात करें, जो समुद्री तट जिसे बोलते हैं, समुद्री एरियाज में रहते हैं, आप अगर वहां जाएं तो वहां पर सी फिशेज जो रहती है ये सबका ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर वो चीज ज्यादा अवेलेबल रहती है. सो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, सॉइल टाइप के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे जो फूड रहते, जो वहां पर फूड टाइप्स रहते हैं, फूड वैरायटीज रहती है, वो चेंज होती रहती है. अब अगर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में आए तो वो है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. सो फूड आइटम्स, जितने भी हम फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं सारे दिन में, हम जितनी भी चीजें कंज्यूम करते हैं, जैसे कुछ फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से बने रहते हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, उससे प्लस वेजिटेबल ऑयल रहता है उसमें, इसमें स्पाइसेस रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस रहते हैं. सो ये सारी चीजें जो रहती है, सारी चीजें मिला के एक फूड आइटम बनाती है. सो ये जो जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स रहते हैं जो कि उस फूड में यूज होते हैं, उस फूड आइटम को बनाने में यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. जैसे कि आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम इसको देखेंगे. जैसे कि दाल की अगर हम बात करें तो दाल में पल्सेस होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है, स्पाइसेस होते हैं. वैसे अगर हम बात करें इडली की तो इडली में राइस होता है, उड़द दाल रहती है, सॉल्ट रहते हैं, वाटर रहते हैं. ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो फूड आइटम्स रहते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने रहते हैं. सो जो वो मटेरियल्स रहते हैं डिफरेंट, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ फूड. हम जो फूड रहता है वो बहुत अलग अलग सोर्सेस से आता है, बट बेसिकली दो मेन सोर्सेस होते हैं फूड के, विच आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो हम सारे दिन जो फूड कंज्यूम करते हैं वो या तो प्लांट्स से आया रहता है या तो एनिमल्स से आया रहता है. सो हम पहले बात कर लेते हैं फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. अब हम ये तो जान लेंगे कि हम जो यूज करते हैं वो हम प्लांट से अपना फूड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, फूड जो आइटम्स रहते हैं, हम प्लांट से लेते हैं. बट प्लांट्स अपना फूड कैसे करते हैं? सो जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे मेक देयर ओन फूड. जैसे कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. So, जो प्लांट रहते हैं वो अपना खुद फूड खुद बनाते हैं. That's why they are called autotrophs or producers, क्योंकि वो अपना सारा फूड खुद बनाते हैं. अगर एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स प्लांट्स पे या अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, पर जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. तो सो वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लाइक वी कंज्यूम फ्रूट्स, वी कंज्यूम फ्लावर्स, वी कंज्यूम स्टेम्स, वी कंज्यूम रूट्स,
सो ये सारी चीजें पार्ट्स और जो प्लांट के रहते हैं वो हम खाते हैं, वो हम कंज्यूम करते हैं हमारी डेली लाइफ पे। तो ऐसे ही कुछ हम पार्ट्स की और ऐसे ही कुछ हम चीजों की बात कर लेते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती है, जो फूड फ्रॉम प्लांट्स। सो जिनमें क्या आते हैं, सीरियल्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, हमारे आपकी सारी दालें हो गई, वेजिटेबल्स आते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल्स, शुगर हो गए, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए। सो ये सारी चीजें जो रहती है ये हमें प्लांट से मिलती है। सो हम वन बाय वन एक एक चीज को देख लेते हैं। तो सो हम फर्स्ट पहली बात करते हैं हम सीरियल्स की। तो सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स आर द एडिबल ग्रेन्स। हमें जो कुछ एडिबल ग्रेन्स रहते हैं जो कि हमें ग्रासेस, जो कल्टिवेटेड ग्रासेस रहते हैं उनसे मिलते हैं। सो वो एडिबल ग्रेन्स को हम कहते हैं सीरियल्स। बेस हम अगर नॉर्मल इसमें बोले तो जो हमारे अनाज रहते हैं, हमारे गेहूं हो गया, हमारा राइस हो गया, ये सारी चीजें जो रहती है वो आते हैं हमारे सीरियल्स में। हम सीरियल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सीरियल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है वीट हो गया, मेज हो गया, मक्का हो गया, बार्ले, कॉर्न हो गया, सोरगम, राइस, बाजरा एंड ओट। दिस ऑल आर सीरियल्स। सीरियल्स जो रहते हैं वो हमारी डाइट का एक बहुत मेन हिस्सा होता है, बहुत एक बड़ा हिस्सा होता है। एक हम उसे रोज रोज कंज्यूम करते हैं, डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे हमेशा उसे कंज्यूम करते हैं। सीरियल्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जैसे हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की बात की, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। सो जो सीरियल्स रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच रहते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस पल्सेस जो रहते हैं वो पल्सेस आर द एडिबल सीड्स। कुछ प्लांट्स जो सीड्स रहते हैं वो एडिबल रहते हैं। तो जो एडिबल सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं पल्सेस। अब पल्सेस जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, पहले सोयाबीन हो गया, पिजन पी हो गया, ग्रीन पी हो गया, ग्राम हो गया, राजमा हो गया, ये सारे जितने भी सीड्स हैं जो कि एडिबल है वो है वो आते हैं पल्सेस के अंदर। एडिबल मीन्स खाने लायक, जो हमारे जिसे हम खा सकते हैं, वो जो चीजें रहते हैं, वो जो सीड्स रहते हैं वो हमारे पल्सेस के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने सीरियल्स में बात की थी कि सीरियल जो रहते हैं वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, वैसे ही जो पल्सेस रहती है वो रिच इन प्रोटीन रहते हैं, उनमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा रहता है। सो दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वी हैव वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमने जैसे बात की कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो हम कई कुछ चीजें रॉ कंज्यूम करते हैं, कुछ चीजें पका के कंज्यूम करते हैं। सो जो पार्ट्स रहते हैं जो कि हम कुछ खाते हैं, हम जो खाते हैं उसे हम वेजिटेबल्स कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स व्हिच वी ईट आर कॉल्ड एज वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैरेट्स हो गए, रेडिशेस हो गए, पोटैटोज हो गए, अनियंस हो गए, कैबेजेस हो गई, कॉलीफ्लावर हो गए, लेट्यूसेस हो गए, डिफरेंट आपके एग्जांपल्स जितने इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे आते हैं वेजिटेबल्स के अंदर। वेजिटेबल्स या तो आप कच्ची खाते हैं या तो उसे पका के खाते हैं, either you eat it raw or after cooking. So these are all about vegetables. Next we have fruits. So what are fruits? Fruits are the part of flowering plant which contains seed. Flowering plant जो फूल देते हैं वो प्लांट से कुछ जो पार्ट रहता है, जो कि फूल्स है हमें, मतलब फूल के बाद हमें उससे मिलता है, वो कहलाता है फ्रूट, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। फ्रूट की एक खासियत रहती है कि उसमें सीड्स रहते हैं हमेशा। जो एक वेजिटेबल और फ्रूट में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि फ्रूट्स में सीड्स रहते हैं, वेजिटेबल्स में नहीं रहते हैं। तो वेजिटेबल फ्रूट्स में जितने फ्लावरिंग प्लांट के वो पार्ट होता है जिसमें सीड्स रहते हैं। सो दे आर फ्रूट्स। और फ्रूट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्रूट्स में जो है मैंगोज हो गए, बनानाज हो गए, गुआवाज हो गए, पपायाज हो गए, पाइनएप्पल हो, आप भी बहुत सारे फ्रूट्स जिनमें जो आप अपने इसमें खाते हैं वो सारे के सारे फ्रूट्स होते हैं। अब जो फ्रूट्स रहते हैं वो ज्यादातर जितने फ्रूट्स रहते हैं वो हम रॉ खाते हैं, हम कच्चे खाते हैं उन फ्रूट्स को। सो और फ्रूट्स में बहुत फ्रूट्स रिच इन विटामिन रहते हैं, रिच इन मिनरल्स रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या द नेक्स्ट थिंग इज नट्स। नट्स अब नट्स क्या होते हैं? नट्स आर ड्राई फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स रहते हैं जिसे हम सुखा के लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स जिसे हम बोल लेते हैं, जिनकी आउटर कवरिंग जो रहती है थोड़ी टफ रहती है, थोड़ी हार्ड रहती है। सो दिस हम उन्हें भी कंज्यूम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नट्स। अब नट्स में अगर एग्जांपल ले रहे हैं, हम सीधी बात जो हम मेवे खाते हैं, हम जैसे हम कैशू खाते हैं, हम आलमंड खाते हैं, हम जो बादाम हो गए हमारे,
हमारे काजू हो गए, ये सारी चीजें जो रहती है ये आते हैं नट्स में। नट्स में जैसे कि आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया, आलमंड्स हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, पीनट्स हो गए, आर ऑल नट्स। नेक्स्ट हमारे इसमें है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट, सॉरी कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट। जो स्पाइसेस रहते हैं, अगर हम स्पाइसेस बात करें तो स्पाइसेस अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए कम, बट अपने एरोमेटिक वैल्यू जितने वो फ्लेवर उसके लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। स्पाइसेस जो रहते हैं वो मेनली आपके फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं, वो आपके मेनली फूड में टेस्ट ऐड करते हैं। इनकी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, इनमें से ज्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, हमने जिस न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, हमें इनमें से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, बट ये हमारे हमारे खाने में, हमारे फूड में कुछ फ्लेवर्स ऐड करते हैं, कुछ टेस्ट ऐड करते हैं, जिसके लिए इनका मेनली यूज किया जाता है। इसमें वर्ड ये हुआ है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्डिमेंट मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके फूड में, आपके अनकुक फूड में फ्लेवर ऐड करे, आपके इसमें टेस्ट ऐड करे, उसे हम बोलते हैं कॉन्डिमेंट। अब सारे मसाले, मसाले आप हिंदी में अगर उसको अच्छे बोले तो जितने मसाले आप यूज करते हैं, आप डेली बेसिस पे जितने भी आप मसाले यूज करते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, सिनेमन हो गया, क्लोव्स हो गए, पेपर हो गए, कार्डमम हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो स्पाइसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुकिंग ऑयल्स की। कुकिंग ऑयल्स क्या होते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं कुकिंग ऑयल को, सो ये होते क्या है कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स आर बेसिकली एडिबल फैट्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट के सीड्स रहते हैं जिससे कि हम उसके एडिबल ऑयल्स निकालते हैं, उसके ऑयल्स निकालते हैं, वो हमारे कुकिंग ऑयल के काम आते हैं, इसलिए हम उसे कुकिंग ऑयल बोलते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कुछ सीड्स की जिनके हम ऑयल निकालते हैं, जैसे कि हुए सेसमे सीड्स हो गए, मस्टर्ड सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, ये कुछ सीड्स हैं जिनके हम ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स निकालते हैं जिसे हम कुकिंग ऑयल के रूप में यूज करते हैं। सो बेसिकली कुकिंग ऑयल जितने, ऑयल जितने भी रहते हैं वो सीड्स से निकाले जाते हैं, प्लांट के जो सीड्स रहते हैं उससे निकाले जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है शुगर। शुगर 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 हम डेली यूज करते हैं, शुगर हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुगर जो रहते हैं, शुगर दो चीजों से मेनली बनता है, एक हो गया शुगर के, एक शुगर बीट। शुगर के नाम हम सब जानते हैं, जो गन्ना रहता है उसे हम शुगर केन कहते हैं, शुगर बीट जो मीठे चुकंदर रहता है उसे हम कहते हैं शुगर बीट। ये जो दो प्लांट्स रहते हैं, जो दो प्लांट्स रहते हैं इनसे हम, हमें शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम शुगर बनाते हैं, इनसे शुगर बनाते हैं। ये दो प्लांट्स रहते हैं, ये बेसिक बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सोर्सेज है शुगर के। इनसे इनसे शुगर केन से अगर हम बात करें तो शुगर केन से वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की हाफ ऑफ द शुगर जो बनती है वो शुगर केन से बनती है। शुगर केन जो रहता है कुछ कोर्स ग्रासेस रहती है जो कि 2.5 मीटर टॉल करीब होती है, उसे हम कहते हैं शुगर केन, कुछ प्लांट्स रहते हैं वो। नेक्स्ट हमारा है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब होता है कुछ ड्रिंक्स, पीने की चीजें जितनी रहती है उन्हें हम कहते हैं बेवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में आता है जैसे कि कॉफी हो गया, कोको हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें जो रहती है ये हमारे प्लांट से मिलती है। हमें कोको की अगर हम बात करें तो वो हमें प्लांट से मिलता है, टी की बात करें तो लीव्स रहती है, टी लीव्स रहती है वो हमें प्लांट से मिलती है, वो हमें प्लांट से मिलती है। सो दीज आर ऑल वे दीज ये हम सारी चीजें जो मिलती है हमें वो मिलती है हमें प्लांट से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के, कॉफी हो गया, कोको हो गया, टी हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे। दीज ड्रिंक्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैफीनेशियस ड्रिंक्स। अब अपनी कैफीनेशियस ड्रिंक क्यों कहलाती है, ये कैफीनेशियस ड्रिंक इसलिए कहलाती है क्योंकि इनमें एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं कैफीन। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैफीनेशियस ड्रिंक। सो जैसे टी हो गया, कॉफी हो गई, ये सारी कैफीनेशियस ड्रिंक, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैफीनेशियस ड्रिंक्स। हम जानते हैं ये सारी चीजें जितने भी रहते हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कंज्यूम होती है। सो जो फूड्स हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या क्या हो गए, जैसे ये हो गए सीरियल्स हो गए, जो ग्रीन्स हो गए अपने, वो हो गए पल्सेस हो गई, दालें हो गई हमारी, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए हमारे, फल हो गए, नट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, कुकिंग ऑयल हो गए, शुगर हो गई, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गए।
सो ये सारी चीजें जो रहती है हमें प्लांट्स में थी, हमने धीरे धीरे एक एक करके छोटे इसके बारे में डिस्कस कर लिया। सो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है हमने ये देख लिया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमने ये देख लिया, वैरायटी ऑफ फूड क्यों अलग अलग जगह में अलग अलग फूड होते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड पाए जाते हैं वो हमने देख लिया, हमने सोर्सेज ऑफ फूड देखे जिसमें कि हमने बातें कर ली प्लांट सोर्सेज की, हमें प्लांट से डिफरेंट क्या क्या मिलता है, वो हम लोग कित कहाँ कहाँ से सोर्सेज प्लांट के क्या क्या है वो हम सारी चीज़ें हमने आज बात कर ली। दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।